So, अभी क्या टाइम चल रहा है? जनवरी, जनवरी की 4 तारीख है और यहां अपने भोपाल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीत लहर चल रही है। और ये शीत लहर किसका मौसम होता है? एकोनाइट का। तो ये अपनी सेकंड क्लास है कोल्ड के ऊपर, कि ऐसी कोल्ड कंडीशंस हैं हमारे सामने। तो देखो, ऐसा अगर आप नॉलेज रखोगे कि आपके दिमाग में पिक्चर बनी हुई है, तो क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब वैसी ही चीज आपके सामने आएगी तो आपको मेडिसिन याद नहीं रखनी पड़ती हैं, वो अपने आप स्ट्राइक करती हैं। कैसे? मैं एग्जांपल दूंगा आपको। पहले काफी अपन कुछ जरूरी बातें समझ लें कि ठंड चल रही है कड़ाके की। हर तरह की कंडीशंस के लिए हम एज ए होम्योपैथ हमारा एक युद्ध है। वी आर ऑन ऑन ए वार। हम युद्ध अपना किससे युद्ध होता है? हमेशा बीमारियों से, तकलीफों से। लोग बाग अपनी तकलीफें लेके आते हैं अपने हमारे पास, और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपनी अटमोस्ट जितनी हम सीखे हैं एनर्जी सही तरीके से हम उनको देखें और कोशिश करें कि उनकी तकलीफें दूर हो। ये इसलिए बहुत ही नोबल जॉब है। ये दिस जॉब इज ए वेरी नोबल जॉब। अगर ईश्वर ने, ऊपर वाले ने आपके हाथ में अगर ये जॉब दिया है तो आपको दिन रात उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो एज ए होम्योपैथ अब किसी भी तरह की स्थिति से लड़ने के लिए हमारे पास हथियार हैं, हथियारों की जरूरत पड़ती है। और एक होम्योपैथ के हथियार क्या होते हैं? उसकी मेडिसिंस। लेकिन मेडिसिंस हथियार की तरह हैं, तो हथियार को चलाने का तरीका भी होता है हर हथियार को। जैसे ठंड है, ठंड की कंडीशन एक है, ठंडी हवा की कंडीशन एक है, कोल्ड वेदर की कंडीशन एक है, लेकिन कोल्ड से लड़ने के लिए हमारे पास जो हथियार हैं, हमारे पास मेडिसिंस हैं, उनको किन कंडीशंस में हमको चलाना है? ठंड की वजह से, एक्सपोज होने की वजह से कैसी परिस्थितियां पैदा हुई? देखो, एक्यूट केसेस की सबसे अच्छी खास क्या बात होती है, और क्रॉनिक की भी मैं बता रहा हूं। क्रॉनिक में भी कई ऐसे केसेस होते हैं कि कोई खास, किसी खास तरह का एक्सपोजर आए तो उस आदमी को दिक्कत होती है। जैसे किसी को हर चेंज ऑफ वेदर में प्रॉब्लम होती है, किसी को हर बदली के वेदर में प्रॉब्लम होती है, कोई कोल्ड वेट को एक्सपोज करता है तो उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो ध्यान रखना, ये कॉजेशन आया। कॉजेशन को सिर्फ आप कॉजेशन ना समझें, उसको एक्साइटिंग कॉज समझें, जो ऐसा रिस्पॉन्स आपके अंदर से एक्साइट कर देता है। तो ये कोई फैक्टर है, कॉजेटिव या एक्साइटिंग फैक्टर, वो कुछ भी हो सकता है। अभी अपन कोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। वो एक्साइटिंग फैक्टर आया आपकी इकोनॉमी के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और आपकी बॉडी ने एक खास तरीके से रिएक्ट किया। ये एक टोटल कॉम्बिनेशन है, ये इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि आपने अनप्रेजुडिस होके अगर बहुत बारीकी से सिर्फ ये सुनते रहे चुपचाप, तो बहुत सारे मौकों में ऐसा भी आएगा, अगर आपकी तैयारी ऐसी है, कि आपको एक भी क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे होम्योपैथ्स देखे हैं हमने। इतना जबरदस्त तरीके से अपनी बॉडी बताती है। तो हमारा एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास जब ऐसा।
ठंडा चिल्ड शीत लहर वाला मौसम चलता है, बिल्कुल एकदम शीत लहर चल रही होती है, बर्फीली हवाएं, ऐसी कंडीशन के लिए हमारा एक बहुत ही जबरदस्त हथियार है हमारे पास। और सिर्फ ये एक ही नहीं है, काफी है, लेकिन सबको चलाने का तरीका अलग अलग है। हम उसको चलाने का तरीका समझ रहे हैं, इस तरीके से आपकी तैयारी होगी ना तो बहुत एक्यूट केसेस में आगे चल के रिपीटेड एक्सपोजर होता रहेगा तो एक्यूट केसेस में अटमो, और आगे चल के ऊपर वाले ने चाहा तो क्रॉनिक केसेस में भी आप बिना किसी चीज के, बिना किसी टूल के रिपर्टरी ये वो प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। लेकिन वो एक सफर है, हमको सिर्फ रिपीटेड एक्सपोजर करना रहता है, अपना परसीवरेंस बनाए रखना पड़ता है, और वो चीज धीरे धीरे अपने आप, वो पैदा होने वाली चीज है, उसको हम ला नहीं सकते, बस अपने को रिपीटेड एक्सपोजर दे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एकोनाइट। एकोनाइट हमारा एक बहुत अच्छा हथियार है, और पिछली बार हमने इसको किस तरह की कंडीशंस में चलाए उसके बारे में कुछ बातें की थी, अब अपन इसके बारे में और बातें करेंगे कि ऐसी कंडीशन में। तो एक जगह कहते हैं डॉक्टर केंट का एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर ठंड की वजह से सरदर्द भी हो जाए, सूखी, यहां ध्यान रखना जब अपन एकोनाइट की बात करते हैं तो अपन सूखी ठंडी हवाओं की बात करते हैं, ऐसा मौसम जो विंटर में होता है। लेकिन विंटर चल रहा है, पूरी विंटर भर आदमी ठीक है, अचानक से कभी मौसम गड़बड़ाता है और विंटर में पानी बरस जाता है, तब वो ठंडी हवाएं नमी वाली हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई आपके पास आता है तब एकोनाइट के बारे में नहीं सोचना, एकदम क्लैरिटी होना चाहिए दिमाग में, हाँ, कॉजिटिव फैक्टर को लेके एकदम क्लैरिटी होना चाहिए। ड्राई कोल्ड विंड, आप ड्राई कोल्ड विंड से जुकाम हो जाए, सुनना, कॉजिटिव फैक्टर ऐसा होता है, मैंने बताया था ना, कॉजिटिव फैक्टर मिल जाए तो वो भारी पड़ जाता है, अच्छे से लिए हुए सिस्टमेटिक जो अपन ने मेंटल जनरल पर्टिकुलर लिए हैं उन सब पे भारी पड़ जाता है। मैंने जब बताया था इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम के बारे में अपन जब बात कर रहे थे तब मैंने बताया था कि कॉजिटिव फैक्टर सारे सिम्टम के साथ, कॉजिटिव फैक्टर का, एक्साइटिंग फैक्टर का रिश्ता कैसा होता है, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना ही पड़ता है। जो शादीशुदा है यहां पे वो समझते हैं इस चीज को, है ना। सो याद रखना कोल्ड ड्राई विंड के लिए अपने पास हथियार है, लेकिन इसकी पिक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो, जैसा कि आप हमेशा समझे, हमेशा इस चीज को जाने कि कैसा एकोनाइट का मैनिफेस्टेशन होता है अगर होगा तो। देखो, ठंडा मौसम होने पे, ठंड तेज बढ़ने पे दांत का दर्द लेके और भी मेडिसिन्स वाले लोग आते हैं, नक्सोमिका वाला भी आता है, मर्कसॉल वाला भी आता है इस ठंडे मौसम में दांत दर्द की शिकायत लेके, और एकोनाइट वाला भी आता है। लेकिन एकोनाइट का दर्द कैसा होगा, डॉक्टर क्लार्क ने, देखो आप समझना इस चीज को, पिक्चर बनाना, डॉक्टर क्लार्क ने सिंपल सी चीज कह दी कि भैया ठंड से किसी को दांत दर्द हो जाए और पूरा चेहरा, जिस तरफ का दांत दर्द हुआ है उस पूरा चेहरा बिल्कुल पके फोड़े की तरह ऐसे ऐसे, जैसे कि फोड़ा जब पक जाता है ना, बिल्कुल यह पकने वाला होता है जब वो अपने पूरे एंगर में होता है, पूरे क्रोध में होता है, बिल्कुल एकदम पीक पे, बिल्कुल ऐसे एक साइड का, ठीक है ना। और सोचो, मतलब इन्फ्लामेशन ऐसा एक्यूट होता है, डॉक्टर क्लार्क अपने पिछली बार डिस्कस किए थे कि कैसा इन्फ्लामेशन कोल्ड की वजह से होने वाला, कोई सा भी इन्फ्लामेशन, ऐसा कह दिया था डॉक्टर क्लार्क ने, चाहे गले की दर्द, ठंडी हवा में गया, आ गया दूसरे दिन, बहुत गला दर्द है, बहुत बुखार है, बहुत तकलीफ में है,
चेहरे से ही लग रहा है कि बहुत तकलीफ में है। इसको कहते हैं एगोनी, मेंटल स्टेट। हमारे क्लास में आते हैं डॉक्टर अमोल, उन्होंने अपना एक बहुत पुराना शुरुआती प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस बताया। ये एक्सपीरियंस शेयर में इसलिए कर रहा हूं, डॉक्टर अमोल का एक्सपीरियंस, बिकॉज इस चीज से देखिए प्रोसेस मायने नहीं रखती। उस वक्त डॉक्टर अमोल काफी यंग थे, इंटर्नशिप ही चल रही थी, बट ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। तो एक साइटिक पेन वाला पेशेंट आया था, साइटिका का पेन था, इतनी तकलीफ में था, बिल्कुल आके रोने लगा, उसके चेहरे से लग रहा था कि बहुत तकलीफ में है, रोने लग गया बिल्कुल एकदम, मतलब इसको इसमें ये एक मेंटल स्टेट है। और मेंटल स्टेट के लिए डॉक्टर जेन कांजीलाल सर ने क्या कहा है कि मेंटल स्टेट को ऑब्जर्व करना चाहिए। पूछी हुई मेंटल स्टेट ज्यादा काम की नहीं होती है। ये एक एगोनी, एगोनी का मतलब कि आदमी चाहे साइकोलॉजिकली चाहे फिजिकली बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बिल्कुल ऐसी कि अरे मर गया, ऐसी स्थिति, रोए बिल्कुल ऐसी स्थिति। सिर्फ ये स्थिति देख के डॉक्टर अमोल ने एकोनाइट और डॉक्टर दिया था। डॉक्टर केंट ने कहा ही है कि एकोनाइट के सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि आप देख के खुद डर जाओगे कि अरे बाप रे क्या बला आ गई, क्या कितनी तेज तकलीफ में है ये। तो मैंने बताया ठंडे मौसम में और भी लोगों को दांत दर्द होता है, मर्कसोल का भी दांत है, लक्सोमिका के भी दांत है, आगे अपन बात करेंगे। बट जब एकोनाइट का दांत होता है ना, तो जिस साइड का दांत दर्द हो रहा होता है, इतना सीवियर इन्फ्लेमेशन होता है, एकदम लाल इंटेंस रेड चीक हो जाती है, बिल्कुल एकदम ऐसा थ्रोबिंग पेन होता है, ठीक है। और ये सब ठंड से हुआ रहता है, जब तेज ठंड पड़ती है कोई आ गया दांत का ऐसा दर्द लेके, रो रहा हो चीख रहा हो, ठीक है। क्या दिया है, ग्रेट रेस्टलेसनेस। ग्रेट रेस्टलेसनेस का मतलब समझते हो आप, अपनी लैंग्वेज में समझो ग्रेट रेस्टलेसनेस, जिसको कहते हैं कि आदमी मछली की तरह तड़प रहा हो। मछली क्या होती है, मछली जिंदा मछली को पकड़ना और उसको फर्श पे छोड़ देना, कितनी जोर से फड़फड़ाती है, कितनी जोर से फड़फड़ाती है, कैसी रेस्टलेसनेस होती है उसकी, ग्रेट रेस्टलेसनेस। ये मुहावरा आपको देख के याद आ गया, पेशेंट को आपने देखा और आपको ये मुहावरा याद आ गया कि मछली की तरह तड़प रहा है ये दर्द से, जो एकोनाइट ऑलमोस्ट रामबाण साबित होती है। ये पिक्चर अपने मन में बिठा लेना। लेकिन याद रखना कॉजेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नर्व पेन का पेशेंट ऐसी मछली की तरह ही तड़पता है। जैसा कि हाइपरिकम के पेशेंट हो गए, हाइपरिकम को पैर की उंगलियां अगर किसी वजह से या हाथ की उंगलियां नर्व रिच एंडिंग कुचल जाए, दरवाजे के बीच में आ जाए, आ जाती हैं, कुचल जाए किसी भी वजह से, कोई भारी चीज पैर में गिर गई तो ये कॉजेशन है, इंजुरी हुई नर्व की और उस वक्त वो तड़प रहा है और आपके पास कॉजेशन है, मतलब एक कंप्लीट होना चाहिए। मैंने बोला ना एक्साइटिंग फैक्टर एंड रिस्पॉन्स। एकोनाइट का रिस्पॉन्स कैसा आता है, किस वजह से आता है, तेज ठंड की वजह से। और जैसा कि डॉक्टर केंट ने कहा था, ये मजबूत मोटे ताजे बच्चों और लोगों पे अच्छे प्रभावित करती है, जिनकी वाइटलिटी अच्छी होती है, इसलिए उनका रिस्पॉन्स भी जबरदस्त होता है। तो दांत के दर्द की पिक्चर बन गई। अगर ठंड के मौसम में कोई दांत का दर्द लेके आ गया और वो कैसा दिख रहा है हमको, तो सिर्फ उस देखने के ही हिसाब से और ठंडे पानी में
फीट पैर एक्सपोज हो जाए, ठंडे पानी से पांव धो लिया किसी स्त्री ने, या ठंडे पानी से नहा ले, या ठंडे पानी से भीग गए और उसकी वजह से अगर पीरियड सप्रेस्ड हो जाए, पीरियड आ रहे थे, हिस्ट्री है कि नॉर्मल आते हैं, हमेशा आते रहते हैं, महीने में आ जाते हैं, करीब करीब टाइम पे ही आ जाते हैं पीरियड, है ना, चार दिन आते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ, अच्छी तेज ठंड पड़ रही थी और इसने क्या किया, कल ठंडे पानी से पांव धो लिया रात में, या आपके पूछने पे पता चला कि भैया ऐसा कुछ हुआ कि अचानक से कल तुम्हारा पीरियड चालू हुआ था और आज बंद हो गया, मतलब सप्रेस्ड हो गया, और उसका कारण अगर सर ऐसा कोल्ड एक्सपोजर है, सुने मेरी बात, देन ऑल्सो इकोनाइट इतना डीप जाके काम करती है, मतलब सोचो कोल्ड का असर कहां तक हुआ, अगर मेंसेस सप्रेस्ड हुआ तो कोल्ड का असर कहां तक हुआ, कौन से सिस्टम तक हुआ, एंडोक्राइन सिस्टम तक हुआ, तो कहीं से भी आदमी प्रभावित हो सकता, सबकी अलग अलग ससेप्टिबिलिटी होती है, लेकिन आपका जो हथियार है आपको अच्छी तरीके से, ठीक है, तो और अगर अपन किसी मेडिसिन के बारे में बात करें, और अगर अपन बेसिक लोगों की बात ना करें, बेसिक लोगों के अनुभव की बात ना करें, तो ये अधूरा ही छूट जाएगा, और बहुत ही बेसिक काम करने वाले और बहुत ही महान और जबरदस्त काम करने वाले लोगों में से हैं डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग, जिन्होंने लिखी है गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ अवर मटेरिया मेडिका। जब भी आप कोई भी केस देखें और आखिरी में जब आपके पास एक ग्रुप ऑफ रेमेडी रिपर्टराइजेशन से आ जाए, और आप अगर कोई बुक रिफर करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है, मटेरिया मेडिका, रिपर्टरी इज ओनली अ टूल, आखिरी जब आप कंफ्यूज हो, बहुत क्लियर ना हो, तो आखिरी जो आपको देखना है ग्रुप ऑफ रेमेडीज में से, तो वो आप कहां से देखेंगे, है ना, उनमें से एक बुक, कई बुक्स हैं, उनमें से एक है डॉक्टर हेरिंग, डॉक्टर हैनीमैन की मटेरिया मेडिका प्यूरा, डॉक्टर कैंट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर बोगर, ठीक है। सो डॉक्टर हेरिंग अपनी गाइडिंग सिम्टम्स में इसके, सुनो इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि भैया अगर कोल्ड ड्राई विंड से, अगर अच्छी ठंडी हवा है, शीत लहर के प्रभाव में आ गया, कई तरीके से लोग भगा जाते हैं, बाप डांटते हुए ला रहा है, देखिए डॉक्टर साहब बीमार पड़ गया, एग्जाम आने वाले हैं, कल कितना इसको बोला था, शाम को जा रहा था दोस्तों के साथ कि बेटा जैकेट पहन जा, ऐसे टी शर्ट में जा रहा है, ठंड है, अरे नहीं अभी तो आ रहा हूं, अब देखो बीमार पड़ गया, अब वो क्या हो, कोल्ड ड्राई विंड फैक्टर है। डॉक्टर हेरिंग बताते हैं कोल्ड ड्राई विंड से, ऐसी ऐसी स्थितियों से, ऐसी मौकों में एक्सपोज हो जाने से, अगर कंजंक्टिवाइटिस हो जाए, आंखें कंजंक्टिवा इन्फ्लेम्ड हो गई, लेकिन याद रखना मैनिफेस्टेशन उतना ही विग्रस, उतना ही जबरदस्त, क्योंकि वो तो इतना बोल के छोड़ देते हैं, कौन, डॉक्टर हेरिंग, भैया डॉक्टर हेरिंग क्या बोलते हैं, सुनिए साहब, ठंडी सूखी ठंडी हवा अच्छी चल रही, शीतलहर चल रही है, उसके एक्सपोज होके कोई आ जाए कंजंक्टिवाइटिस लेके, तो आप दे दें एकोनाइट, कोई जुकाम लेके आ जाए तो आप दे दें एकोनाइट, कोई दांत दर्द लेके आ जाए तो आप दे दें एकोनाइट, कोई क्रूपी कफ लेके आ जाए, ठीक है, तो दे दें, यहां तक कि कोई रूमेटिज्म लेके आ जाए कि अच्छा तेज बुखार आ रहा है जोड़ों में दर्द के साथ, दैट इज एक्यूट रूमेटिक अटैक, जोड़ सूज गए हैं, लेकिन याद रखना एकोनाइट के पेशेंट को देख के आपको सबसे पहली बात दिमाग में आएगी क्या, यार ये बहुत तकलीफ में है, अरे बाप रे बहुत बहुत सीवियर तकलीफ में है, ये नेचुरली ऐसा अगोनी ऐसा, क्योंकि इतना कह दिए, लेकिन सोचो सीवियरिटी पे ध्यान रखना, टूथेक होगा तो उसकी सीवियरिटी ऐसी होगी कि अरे बाप रे भयंकर सीवियर इन्फ्लामेशन, अच्छा शबाब वाला इन्फ्लामेशन, अच्छा थ्रोबिंग पेन, हाई फीवर भी हो सकता है, और आदमी तड़प रहा हो बिल्कुल एकदम एगोनी में हो, मेंटल स्टेट एगोनी वहां पे नजर आनी चाहिए आपको,
और डॉक्टर देखो सीवियरिटी कैसी है, अगर इतनी सी बात जो है डॉक्टर हेरिंग साहब ने कंजंक्टिवाइटिस बोल के छोड़ दिए, डॉक्टर केंट ने इस चीज को थोड़ा सा खोल के डिस्क्राइब किया, और डॉक्टर केंट का डिस्क्राइब करने का तरीका ऐसा है, इतना आर्टिस्टिक है कि अगर आप उस चीज को बड़े मोहब्बत से पढ़ो, अनप्रेजुडिस होके इस तरीके से आपका एटीट्यूड हो कि यार ऊपर वाला ने इनके थ्रू कितना अच्छा नॉलेज दिया है, बेहतरीन, तो वो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा। देखो डॉक्टर हेरिंग ने बोल दिया कंजंक्टिवाइटिस, कोल्ड ड्राई एयर, सूखी ठंडी हवा। डॉक्टर केंट कहते हैं अचानक से आंखों में जलन होने लगती है, सडन अचानक से सूज जाती है, ये पलके सूज गई, और बोले ये सूजन इतनी तेजी से आती है पलकों की, डॉक्टर केंट बता रहे हैं देखो पिक्चर, इतनी सूजन इतनी तेजी से आती है कि अगर फोर्सेप की मदद ना ली जाए तो वो आंख नहीं खोल सकता है। अगर उसके फोर्सेप के अलावा खोलने की, मतलब कोशिश करेगा तो उसको भयंकर तकलीफ होती है। और डॉक्टर केंट कहते हैं जब उसकी आंख को अपन फोर्सेप से पकड़ के खोल के देखते हैं तो जैसे ही आंख खोल के देखते हैं, चेक करते हैं, तो गरम गरम पानी निकलता है, मतलब वो इन्फ्लामेशन की फर्स्ट स्टेज में ही है। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर ने कहा है अगर यहीं पे खोल के देखते और पस आ रहा होता तो हो सकता है अपन को दूसरी मेडिसिन के बारे में सोचना पड़े। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर इंक्लूडिंग डॉक्टर केंट ये कह के गए हैं भाई ये लोग इतने बहुत महान होम्योपैथ थे यार, इनकी बातों को नजरअंदाज तो अपन नहीं कर सकते ना। वो लोग कह के गए ना जब सेकेंड और स्टेज, जब इन्फ्लामेशन की स्टेज आगे बढ़ जाती है, सपुरेशन वगैरह होने लगता है, तो वहां पे दूसरी रेमेडीज के बारे में हमको सोचना चाहिए। मतलब इतनी से ऑब्जर्वेशन में आपका माइंड चेंज हो जाना चाहिए। ठीक, तो डॉक्टर कैंड ने देखो कैसा कितनी अच्छी पिक्चर बताई कि अगर कंजंक्टिवाइटिस होती है और ये ठंड खा जाने से, शीतलहर में चले जाने से, ठंडी हवा में, और अपने यहां तो बहुत ही मजेदार तरीकों से लोग बाग ठंड से प्रभावित होते हैं भैया। इसको डॉक्टर कैंड ने बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्राइब किया है, या ऐसी डिस्क्राइब किया है कि भैया किसी व्यक्ति ने, डॉक्टर कैंड ने कहा किसी व्यक्ति ने ठंड के मौसम में जब तेज ठंड पड़ रही है उस वक्त जितने कपड़े पहनने चाहिए पहन ओढ़ के रहना चाहिए कि भैया हाँ टोपा लगा लो, जैकेट पहन लो, वैसा नहीं रहा, डिफिशियंट क्लोथिंग में रहा, कम कपड़ों में रहा, अगर उससे कोई दिक्कत हो जाए ठंड में कोई ऐसा रहा, या प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड, लंबे समय तक ड्राई कोल्ड, रात भर सफर करते रहे, घंटे दो घंटे रात में अच्छी ठंडी हवा में घूम लिए, या फिर क्या होता है अपने यहाँ ऐसा होता है फैशन के मारे शादी ब्याह हिंदुस्तान में ज्यादातर ठंड के सीजन में होते हैं, लॉन्स जो हैं यहाँ बने हुए हैं जहाँ होते हैं ये तालाबों के किनारे बने हुए हैं अच्छी ठंडी ठंडी जगह पे, और यहाँ औरतें फैशन के मारे गर्म कपड़े नहीं पहनती हैं, फैशन छुप जाता है और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर कोल्ड का हो जाता है। भाई गए थे पार्टी में, दो तीन चार 5 घंटे रहे वहां पे गार्डन में, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और ऐसा कोई सीवियर सीवियर कुछ भी आया, दांत दर्द लेके आ गए, कहीं का भी इन्फ्लामेशन, लेकिन इन्फ्लामेशन किस तरीके का है, कोनाइट का, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आईसीयू टाइप की कंडीशन है ये कि तुरंत उसको ले जाके भैया तुरंत, अगर वो जो शाइटिका का पेशेंट आया था डॉक्टर अमोल के पास, वो ऐसी स्थिति में किसी एलोपैथ के पास जाता तो दे एप्स में पक्का है ये तुरंत रिफर करते कि भैया इसका तुरंत ऑपरेशन करवाओ, क्योंकि ऐसी स्थिति थी, आदमी तड़प रहा है भाई, बहुत तकलीफ में, भयंकर तकलीफ में, जबरदस्त एकोनाइट। ठीक, तो डॉक्टर हेरिंग ने
इतनी सारी चीजें बताई कोल्ड ड्राइव इंड से, ठीक है ना। एक तो ये भी बताया था कि एक एक व्यक्ति को कैचिंग कोल्ड करने पे, ऐसी ठंड की स्थिति में चले जाने से, ठंड खा जाए, सूखी ठंडी हवा खा जाने से टोटल ब्लाइंडनेस हो गई थी, मतलब उसका इफेक्ट उसकी ऑप्टिक नर्व में हुआ होगा। टोटल ब्लाइंडनेस हो गई थी, डॉक्टर हेरिंग कहते हैं टोटल ब्लाइंडनेस आफ्टर कैचिंग कोल्ड, टोटल ब्लाइंडनेस, आदमी अंधा हो गया था प्रैक्टिकली, लेकिन फैक्टर क्या था, कैचिंग कोल्ड। टोटल ब्लाइंडनेस तक क्योर कर दिया, इतना जबरदस्त होता है। और एक और बड़ा अच्छा सिम्टम बताया, आमतौर पे लोग बाग बोलते हैं ठंडे मौसम में, अरे बड़ी अच्छी ठंड पड़ रही, ठंडी हवा अच्छी चल रही, शीतलहर चल रही। अरे डॉक्टर साहब, वो ठंड में चला गया था ना, जब से ना बॉडी थोड़ी सी अकड़ान अकड़ान सी लगती है, जब पैरों में अकड़ान सी लगती है। कैसे, वो क्यों कह रहा है ऐसा, कि जब देखिए, जब मैं इसको अपने पैरों को मूव करता हूं तो ऐसा लग रहा है कि स्टिफ है, मतलब फ्री मूव नहीं हो रहे हैं, या चलने में लेग्स का फ्री मूवमेंट नहीं हो रहा है, अकड़ान सी लग रही है, और ठंड खा जाने के बाद ऐसी स्थिति। तो डॉक्टर हेरिंग ने इसके बारे में क्या कहा है, कि लेग्स स्टिफ्ट, लेग स्टिफ्ट हो जाए व्हेन मूव्ड, मूव करने पे, अकड़न की वजह से मूव नहीं कर पा रहे हैं, स्टिफ फील हो रहे हैं आफ्टर टेकिंग कोल्ड, ठंड खा जाने से। ठीक, डॉक्टर केंट एक और बहुत अच्छा अनुभव शेयर करते हैं, अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताते हैं एकोनाइट के बारे में, कि अगर किसी को ठंड में जुकाम हल्का फुल्का चल रहा है, इधर ध्यान दो, अगर किसी को जुकाम हल्का फुल्का चल रहा है, नाक बहरी है, और वो ठंड को एक्सपोज हो गया, रात में बाइक में घूमने चला गया, या कहीं आ जा रहा सफर में हो, ठंडी हवा को एक्सपोज हो गया हो, और वो जुकाम रुक जाए, तो नाक बहना रुक जाए, और नाक बहना रुक जाए और भयंकर कंजेस्टिव आंखों के ऊपर, वायलेंट, डॉक्टर केंट कहते हैं वायलेंट, यानी कि बहुत भयंकर, बहुत तेज, वैसी ही स्थिति होगी, एगोनी, मर्ग, ऐसी ऐसी स्थिति, एगोनी, चेहरे से दिखेगा कि यार बहुत ज्यादा तकलीफ में है, ऐसा हेडेक, और वही घबराहट, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, आदमी तड़प रहा है बिल्कुल एकदम, हॉट फेस, ऐसा रिस्पॉन्स आता है, है? कान दर्द की शिकायत भी लेके आ जाते हैं भाई, और बच्चे खास तौर से, डॉक्टर केंट इसकी बड़ी अच्छी पिक्चर बनाते हुए कहते हैं कि एक बच्चा अपने घर वापस आता है, चाइल्ड, डॉक्टर केंट के कहते हैं, द चाइल्ड कम्स होम आफ्टर बीइंग आउट इन द कोल्ड नॉर्थ विंड। कोल्ड नॉर्थ विंड, अब अपन कैसे देखेंगे कि ये नॉर्थ विंड है, तो भैया जो ठंडी हवाएं हैं ना वो नॉर्थ विंड ही कहलाती है, क्योंकि नॉर्थ साइड में क्या है, सब हिमालय है, बर्फीले, नॉर्थ साइड में होता सब जगह, समझ में ना। तो इस मौसम में, ठंड के मौसम में, जब शीतलहर चल रही, जो ठंडा मौसम हो, बच्चा दिन भर बाहर रहा और जब अपने घर वापस लौटता है, और वो जब दिन में बाहर रहा, इधर उधर हो रहा था, चाहे अकेले चाहे माँ बाप के साथ, उस वक्त उसने प्रॉपर सफिशियंटली जितना उसको पहनना ओढ़ना चाहिए वो नहीं पहना हुआ था। अक्सर आके माएँ शिकायत करती हैं, अरे कल हम लोग घूमने गए थे ना, तो इसने क्या है, एक पतली सी टी शर्ट पहन के चला गया था, इसको कितना समझाया था कि बेटा जैकेट रख ले अपनी, नहीं रखा। कल वैसे ही हम लोग के साथ दिन भर घूमता रहा, और आप देख ही रहे कि कितना ठंडा मौसम चल रहा है, ठीक है। अब वो घर आके, चूंकि इसका बड़ी तेजी से आता है, सुबह एक्सपोज हुआ, शाम को एक्सपोज हुआ, रात में ही
हालत खराब होने लग जाती, बड़ी तेजी से रिस्पॉन्स आता है एकोनाइट का, तो डॉक्टर केंट कहते हैं अब वो घर आने के बाद अपना कान पे हाथ रख के चीख मारता है, इतना तेज दर्द होता है, अरे बहुत बाबा बहुत दर्द, ऐसे रो रहा है बिल्कुल एकदम चीख रहा है और बड़ी तेज रिस्पॉन्स आता है, दिन भर घूमा के आया है और शाम को ही दिक्कत चालू हो जाती है। और चूंकि तेज इन्फ्लामेशन आ रहा है तो फीवर, एंजाइटी, बस गोद में लेके चाइल्ड मस्ट बी कैरिड, गोद में ही लिए रहना पड़ता है, ऐसा चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, तड़प रहा है बिल्कुल एकदम, गोद में ही लेके खड़े रहना पड़ता है, चाइल्ड मस्ट बी कैरिड। बोले सफरिंग इतनी इंटेंस होती है, आप देख के समझ जाओगे कि अरे बाप रे इसको बहुत तकलीफ है भयंकर। तो सुनो, ठंड के जैसे डॉक्टर क्लार्क ने बता दिया था, चाहे गला पकड़ ले इतनी वायलेंसी से, अक्सर गला लग गया, ठंड में गया था, कल बहुत तेज बुखार है ना और बहुत तकलीफ है, मैं बता नहीं सकता, अगर मैं पेन किलर नहीं खा के आया होता ना तो मैं आपके पास बैठा नहीं होता, ऐसे कितने बोलने वाले आते हैं। तो चाहे वो फेरिंजाइटिस हो, चाहे वो ओटाइटिस हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे वो कंजंक्टिवाइटिस हो, अगर वो बहुत वायलेंट हो, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, अगर वो बहुत वायलेंट हो, ब्रोंकाइटिस में आपने बताया था कि खून आने लग जाता है हल्का सा भी खारेगा तो ये ढेर ढेर खून आता है, और जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसका इन्फ्लामेशन भयंकर सीवियर, तकलीफ बहुत ज्यादा सीवियर, नॉइज इंटॉलरेबल ईयर में, ऐसा बोलते हैं। तो ये इतना आप इस तरीके से, डॉक्टर केंट एक और अच्छी बात बताते हैं, देखो ये पिक्चर बनाने वाली है कि आमतौर पर ठंड से जो जुकाम हो जाता है बच्चों में, तो अगर दुबले पतले बीमार टाइप के बच्चे हैं तो उनमें एकोनाइट इंडिकेट नहीं होती है, अगर अच्छे मोटे ताजे चबी गुलाबी गुलाबी हेल्दी बच्चे हैं, इनको अगर ऐसे मौसम में जुकाम होता है ठंड बढ़ने पर, तो फिर एकोनाइट ऐसे केसेस में दी जाती है। ठीक ठीक है, न्यूरालजिक पेन ठंड से, और मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर अमोल ने उस वक्त काफी यंग थे जब उन्होंने अपना साइटिका वाला केस सुनाया था, मेरे ख्याल से अगर अभी होता और शायद एकोनाइट से ठीक होने के बाद अगर ये खोदबीन करते तो ऐसा हो सकता है कि एकोनाइट से ठीक हुआ है, कि कभी कोल्ड एक्सपोजर से ही वो स्टार्ट हुआ होगा प्रोलॉन्ग्ड, कभी खेत वेत में रात भर शीतलहर में काम करने चले गए होंगे, उसके बाद से शुरू हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा एक अंदाजा है, क्योंकि एकोनाइट से जब ठीक हुआ है तो अपन एक अंदाजा लगा सकते, बाकी एकोनाइट की प्रॉब्लम्स फियर से भी फ्राइट से भी चालू होती हैं, लेकिन अभी अपन सिर्फ कोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए अपन कोल्ड पे ही रहते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ठंड के एक्सपोजर से कई लोग को ट्राइजेमिनल फेशियल न्यूरालजिया, चेहरा है ना ऐसा न्यूरालजिया आने लग जाता है भयंकर, मैं एकदम से कैसे बताया कि डॉक्टर साहब ठंड में गया था, उसके बाद आया तो चेहरा ऐसा लग सुन्न सुन्न सा पड़ने लगा, फिर उसके बाद इतना तेज दर्द हो गया, ठीक है ना, और वही वही वायलेंसी, ठीक है ना, रोना चीखना ऐसे बिल्कुल एकदम ऐसे, आप देख के डर जाएंगे बिल्कुल एकदम, इतना कटिंग लाइफ नाइफ जैसे कोई चाकू से काट रहा, न्यूरालजिक पेन ऐसी होते ऐसे काटता है बिल्कुल एकदम ऐसी स्थिति, ठीक है, सोचो कितनी विकट स्थिति से, कितनी तकलीफदायक स्थिति से आप किसी को निकाल सकते, यानी कि पैसा तो आप कमा ही रहे हैं, पुण्य भी कमा रहे हैं, किसी भी इंसान की तकलीफ किसी भी तरीके से दूर करना हर धर्मों में ये एक पुण्य का काम माना गया है। सो आज अपन एकोनाइट को यहां पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, यहां तक कि कोई आके ऐसा भी बोले, क्योंकि कई बार क्या होता है ठंड के एक्सपोजर होने की वजह से, एक आखिरी बात बता दूं, सुनो ठंड के एक्सपोजर होने की वजह से
न्यूरालजिया नहीं होकर नर्व में दूसरे तरीके का भी इफेक्ट पड़ता है कि झुनझुनी, ये सुन्नपन, सुन्न सुन्न सा, ठंड गया, ठंड से घूम के आए तो सुन्न सुन्न सा, चेहरा मोटा मोटा सा लग रहा है, नम नम सी फीलिंग, वो होता है नर्व के, नर्व में नम नर्व में ऐसा आता है, और एक न्यूरालजिया वाला रिस्पॉन्स आता है, और एक अपन ने पिछली बार डिस्कस किया था कि पैरालिसिस भी आ जाता है नर्व में हर तरीके से। सोचो ठंड इंसान को नर्व के लेवल तक, हॉर्मोन्स के लेवल तक, किसी भी लेवल तक, जॉइंट्स, सिनोवियल मेम्ब्रेन्स के लेवल तक, म्यूकस में यहाँ पे जो होता है इसके मेम्ब्रेन्स जो हैं आपके, इसके लेवल तक, अंदर कान में ओटाइटिस हो रहा है, दांत रुदेक हो रहा है, मतलब ये ठंड से होने वाली कितनी तकलीफों से और कितनी भयंकर तकलीफों से कहना चाहिए आप एकोनाइट के थ्रू आराम दे सकते। अब कल अपन एक और जबरदस्त ठंड से लड़ने वाले अपने हथियार यानी कि दूसरी रेमेडी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।